कलर्स पर प्रसारित हो रहा सीरियल नागिन 6 तो आप सभी देख रहे होंगे, जिसमें हमें कई सारे सितारे नजर आ रहे हैं जो कि सीरियल में अपने अपने किरदार को काफी खूबसूरती से पर्दे पर पेश कर रहे हैं। तभी तो अभी से इन्हें दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, आप सभी नागिन 6 में नजर आने वाले सितारों को तो जानते हैं, जो सीरियल में अपने किरदारों को बड़ी खूबसूरती से पेश कर रहे हैं। पर शायद आप जानते होंगे कि अपने किरदारों को खूबसूरती से पेश करने के लिए कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं, यानी वो पर डे एपिसोड के कितने पैसे ले रहे हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको नागिन 6 सीरियल में नजर आने वाले सभी सितारों की पर डे एपिसोड फीस बताने वाले हैं कि ये सितारे कितना फीस चार्ज कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। नंबर एक पर है महक चहल। नागिन 6 में प्रथा की बहन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री महक चहल के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि ये पर डे एपिसोड लगभग 1 लाख रुपए चार्ज कर रही हैं, जो कि काफी हाई अमाउंट है, जिससे ये बहुत ही ज्यादा खुश हैं। नंबर दो पर है आम्रपाली गुप्ता। टीवी की खूबसूरत अभिनेत्री आम्रपाली गुप्ता नागिन 6 में एक नेगेटिव किरदार निभाने वाली अभिनेत्री है, जो कि नागिन 6 में काम करने के लिए पर डे एपिसोड 75,000 रुपए चार्ज कर रही है, जो कि आम्रपाली के लिए काफी सूटेबल अमाउंट है, जिससे ये काफी सेटिस्फाइड भी हैं। नंबर तीन पर है उर्वशी ढोलकिया। टीवी इंडस्ट्री में अपने कोमोलिका वाले किरदार से धूम मचाने वाली अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया भी नागिन 6 में एक अहम और नेगेटिव रोल निभा रही हैं, जो कि पर डे एपिसोड 50,000 रुपए चार्ज कर रही हैं, जो कि उर्वशी के हिसाब से और उनके कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल फीस है। नंबर चार पर है तेजस्वी प्रकाश। नागिन 6 में बिग बॉस 15 के विनर रही अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश प्रथा की भूमिका निभा रही हैं, जो कि सीरियल में मुख्य नागिन हैं। आपको बता दें कि ये अपने इस किरदार के लिए 2 लाख रुपए फीस चार्ज कर रही हैं, जो कि इनकी अब तक की सबसे हाई फीस है, जो इन्होंने सबसे पहले कभी भी किसी भी सीरियल में चार्ज नहीं की। नंबर पाँच पर है सिम्बा नागपाल। नागिन 6 में ऋषभ गुजराल का मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता सिम्बा नागपाल इस सीरियल में काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं, जो कि अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए पर डे एपिसोड चार्ज कर रहे हैं, जो कि अब तक नागिन फ्रेंचाइजी के किसी भी सीरियल में किसी ने चार्ज की हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो फीस नागिन 6 में नजर आने वाले सितारों को दी जा रही है वो जायज है या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।